स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस। वीडियो आप एंड तक देखना, बहुत इजी वे में यहाँ पे चार डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ, सफिशियंट होगा। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए माइक्रोस्कोप यूज़ किस लिए होता है। बेसिक सी बात है, माइक्रोस्कोप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी चीज़ें हमें अपनी आंखों से नहीं दिख पाती हम उसको क्या करें कि देख सकें। इसलिए हम यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर किसी भी माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं जो कि हम अपनी आंखों से देख ना सकें, नहीं देख पाते, बट उसको देखना ज़रूरी है। जैसे कि हाथों में जर्म्स यानी और हो सकता है आपके ब्लड का पोसल, सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ों को हम देख सकें, इसलिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे। अब बात आती है, देखिए इनके डिफरेंस की। तो इनके डिफरेंस में आपको सबसे पहले डिफरेंस क्या बताऊंगा, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, यूज्ड वन कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें क्या होता है, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यूज्ड टू कॉन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज आईपीस। ये क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड डिफरेंस की। देखिए सेकेंड डिफरेंस क्या है सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इट कैन बी यूज्ड टू सी मिनट पार्ट्स। देखिए मिनट पार्ट्स कह सकते हैं या फिर हम उसको और फॉर एग्जांपल मिनट पार्ट्स और हम क्या कह सकते हैं उसको, जैसे कि मुझे स्मॉल रिटन वर्ड्स, जैसे कि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखे उसको हम देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर वहीं हम बात कर ले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो इट इज़ यूज्ड टू सी ब्लड कॉर्पूसल्स प्लांट एंड एनिमल सेल, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये दो डिफरेंस हो गए। अब तीसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, मैन यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पावर पे डिपेंड करता है कि कौन से लेंस की ज़्यादा है, यानी कौन से माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को देख पाएगा, ज़्यादा छोटी चीज़ों को देख पाएगा, और जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर कम होगी वो कम छोटी चीज़ों को देख पाएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो कम होती है, मैग्नीफिकेशन पावर इज लेस देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहां पे क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पावर इज मोर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, ये तीन हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। देखिए फोर्थ डिफरेंस में क्या होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अब बात आ रही है ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट को प्लेस करना मतलब कि जिस चीज़ को भी हमें देखना है उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो देख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ के जो अंदर ही हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड विथ इन द लिमिट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस विथ इन द लिमिट की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट की जगह क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम बियॉन्ड यानी कि बाहर, बियॉन्ड द फोकल लेंथ,
यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करते हैं, बियॉन्ड द फोकल लेंथ करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको चार डिफरेंस बताया किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बहुत ही ईजी में बताने की कोशिश की, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आएंगे। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोज़ देख सकें। मिलते हैं और इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।